यूट्यूबर के सख्त सवाल पर शेर अफजल मरवत गुस्से से लाल पीले हो गए। साथियों ने सवाल पूछने वाले की धनाई कर डाली। शेर अफजल मरवत से नामुनासिब अल्फाज में सख्त सवाल करना यूट्यूबर को महंगा पड़ गया। यूट्यूबर ने रहनुमा पीटीआई से सवाल पूछते हुए कहा, तल्ख अल्फाज हैं लेकिन सुन लें, आपकी पार्टी के जराए कहते हैं आप एक कमेटी के ओहदे की भीख मांगने ख्वाजा आसिफ और स्पीकर के पास चले गए थे। शेर अफजल मरवत यूट्यूबर के सवाल पर तैश में आ गए और उन्होंने कहा, अपने अल्फाज इंसानों वाले करें, भिखारी तुम खुद हो, आप आइंदा मुझसे सवाल नहीं करेंगे। रहनुमा पीटीआई ने यूट्यूबर को वहां से हटाने की हिदायत करते हुए कहा, आप जिंदगी भर मुझसे सवाल नहीं करोगे। यूट्यूबर के सवाल पर शेर अफजल मरवत के साथी आपे से बाहर हो गए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और यूट्यूबर की दरगत बना दी। ताहम मौके पर मौजूद दीगर सहाफियों ने बरवक्त बीच बचाव करवाया। यूट्यूबर के सख्त सवाल पर शेर अफजल मरवत गुस्से से लाल पीले हो गए। साथियों ने सवाल पूछने वाले की धनाई कर डाली। शेर अफजल मरवत से नामुनासिब अल्फाज में सख्त सवाल करना यूट्यूबर को महंगा पड़ गया। यूट्यूबर ने रहनुमा पीटीआई से सवाल पूछते हुए कहा, अल्फाज हैं लेकिन सुन लें, आपकी पार्टी के जराए कहते हैं आप एक कमेटी के ओहदे की भीख मांगने ख्वाजा आसिफ और स्पीकर के पास चले गए थे। शेर अफजल मरवत यूट्यूबर के सवाल पर तैश में आ गए और उन्होंने कहा, अपने अल्फाज इंसानों वाले करें, भिखारी तुम खुद हो, आप आइंदा मुझसे सवाल नहीं करेंगे। रहनुमा पीटीआई ने यूट्यूबर को वहां से हटाने की हिदायत करते हुए कहा, आप जिंदगी भर मुझसे सवाल नहीं करोगे। यूट्यूबर के सवाल पर शेर अफजल मरवत के साथी आपे से बाहर हो गए। उन्होंने आओ देखा ना ताओ और यूट्यूबर की दरगत बना दी। ताहम मौके पर मौजूद दीगर सहाफियों ने बरवक्त बीच बचाव करवाया।